राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में भी जल्द ही दस्तक देगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में राहुल गांधी सभा भी करेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इसके लिए कांग्रेस विधायक और नेताओं को तैयारी की जवाबदारी सौंपी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक कई राज्यों से होकर गुजर चुकी है। इस यात्रा को खासा समर्थन भी मिल रहा है। इस यात्रा से कांग्रेस को एक बड़े बदलाव की उम्मीद है। यात्रा में उमड़ रही भीड़ इस बात की ओर इशारा भी कर रही है। सभी राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को राहुल की सभा और अन्य व्यवस्था को जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक देने जा रही है। यात्रा मध्य प्रदेश के कई शहरों से गुजरेगी। इन तमाम शहरों में यात्रा की व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है। लोगों के रुकने, खाने, ट्रांसपोर्ट सहित कई व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं को सौंपी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन महाकाल की नगरी भी जाएगी। यहां राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके पहले राहुल गांधी साधु संतों के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा शाम को बुरहानपुर के बोडरली गांव पहुंचेगी। यहां से 21 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर जिले में 3 दिन रहेगी, जबकि प्रदेश में 13 दिन तक रहेगी। यह मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 3 दिसंबर की शाम को आगर जिले के सुसनेर विधानसभा से राजस्थान के बॉर्डर में एंट्री करेगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर से 35 किलोमीटर दूर इच्छापुर के पास बोडरली गांव से एंट्री करेगी। संभावना है कि एंट्री पॉइंट पर 50,000 से लेकर 1,00,000 लोग राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करेंगे।